जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने जा। बंदूक के नीचे नहीं। मरे बच्चों औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा। चलो बच्चों, चलो चलो उठो, चलो जल्दी, चलो जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो माजी, चलो बच्चों यहाँ से, बच्चों जल्दी संभाल के चलो बच्चों, चलो माजी चलो निकलो यहाँ से, चलो। में तो हो देवा, तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है, अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। जना आज आप घर जल्दी लौटने वाले थे ना, जरा अपनी घड़ी पर नजर डालिए और देखिए कि टाइम क्या हो रहा है। हाँ मुझे टाइम का ख्याल है शोभा, मगर काम बहुत ज्यादा है और आप छोड़ नहीं सकते, यही ना शोभा। गुड्डी की शादी की वजह से 5 दिन दुकान बंद थी, मार्केटिंग का मेरा सारा काम रुका हुआ है, इसलिए देखना मैं 1-2 दिन में सब कुछ निपटा लूंगा। ठीक है बाबा, जब आपका मन करे तब आ जाइएगा, मगर आज मैंने और दीपू ने ये तय कर ही लिया है कि खाना एक साथ ही खाएंगे। शोभा तुम मेरी बात सुनो। बाय। तू गया नहीं अब तक? साहब मेरी औरत की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओहो, अरे उन्होंने 7 बजे लेबर बुलाई है, माल आज रात को पहुंचाना है। ला तू टेम्पो की चाबी ला, मैं पहुंचा दूंगा घर जाते हुए। यहां तो कोई भी नहीं है। लगता है ऊपर कोई है।
चंदल साहब सीएम को तो ठिकाने लगा ही देंगे, लेकिन हमको देवा का भी बंदोबस्त करना चाहिए। देखिए सीएम साहब तो पता है, हमें सब पता है। सीएम को लाइन पर लाने के लिए क्या तीर मार रहे हैं आप ये बताइए। बहुत नुकसान उठा लिया हम लोगों ने। सीएम पर लगाम कसना कृष्णकांत के बस का रोग नहीं है, और अब इस सीएम का और जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी ये अदा हमें बहुत पसंद है खान। तुम बिना वक्त जाया किए हुए मुद्दे पर आ जाते हो। सीएम सच्चाई का दामन छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसे जिंदगी से महरूम कर देना चाहिए। सीएम की मौत का खेल हम खेलेंगे और नाम देवा का होगा। बोल कैसा है तू? इंदर, इंदर मैं माल सप्लाई करने गया था। वहाँ वो लोग बात कर रहे थे कि वो सीएम को मारकर देवा को फंसाना चाहते हैं। क्या? क्या कह रहा है तू? वो कोई जिंदाल साफ करके थे। वो बात कर रहे थे कि वो देवा को फंसा देंगे। आकाश तू कहाँ से बोल रहा है? मैं यहाँ वसंतराव भागवत चौक के टेलीफोन बूथ से बात कर रहा हूँ। आकाश तू सुन, तू वहीं पर रुक, मैं वहाँ पर अभी पहुँचता हूँ। इंदर तू यहाँ जल्दी आ जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आकाश तू घबरा मत, मैं आ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं यहीं रुकता हूँ। भाई साहब, हमें भी फोन करने दो। मैंने तुझे वहां पर रुकने के लिए कहा था ना इंदर, मैं वहां तेरा इंतजार कर रहा था। अगर मैं कुछ देर और वहां रुक जाता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। कौन लोग? कौन लोग तेरी जान ले लेते? वही लोग इंदर, जो देवा को मारने की बात कर रहे थे। इंदर तू कुछ कर यार, वरना वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। तू वो बिल्डिंग जानता है? लेकिन इंदर तू अकेला। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। चल मेरे साथ। इस तरफ
यहां तो कोई भी नहीं है आकाश। आकाश तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं नर, यहीं पे उन लोगों की मीटिंग चल रही थी और वो जिंदाल साहब कह रहे थे कि हम लोग सीएम को मारकर देवा को फंसा देंगे। हम अभी यहीं हैं आकाश बाबू। इधर यही है वो जिंदाल, यही है। अगर हमें ये पेन कैप ना मिला होता तो हमें पता भी ना चलता कि हमारी बातें कौन सुन रहा था। इंदर ये तो ऐसा ही हाथ था मेरे भाई का, जिसे तेरे भाई देवा ने उखाड़ दिया था। इंदर, इंदर ये तो क्या कह रहे हैं? हमें तुम्हारी काबिलियत पर नाज है इंदर सक्सेना। तुम्हारे घर का सुख चैन छीन लेंगे हम लोग, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं देवा की बाजुओं में तेरी लाश डालकर। इस महीने तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा। अब मान भी जा यार। गांधी जी पता है कितनी बड़ी हस्ती थे? इतना बड़ा काम करना होगा मुझे इस पेन से? तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। परछाई तो हर एक की जिंदगी में आती है, इससे कोई नहीं बच सका। तू इसका सामना कर, हिम्मत मत छोड़ बेटा। तेरे साथ जो हुआ है उसका इंसाफ खुदा करेगा। दुश्मनों ने तेरी झोली में तेरे भाई की लाश डालकर ठीक नहीं किया। मैं अंधी हूं मगर उन लोगों का सर्वनाश देख रही हूं। बेटा जीत तो तेरी ही होनी है।
कितने दिन दुखियों की दुआएं हैं तेरे साथ, देख।